तो बात यह है कि जब आप में से बहुत से लोगों की स्क्रीन पे ये ट्रेलर दिखा होगा तो आप में से बहुत से लोगों ने इसे कोई फैन मेड या फेक ट्रेलर समझकर इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन जिसने भी इस ट्रेलर को देखा वो इसके बारे में बात किए बिना नहीं रह पाया और देखते ही देखते इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी बड़े मूवी रिव्यूज चैनल्स बात करने लगे, जो अपने आप में बहुत अप्रिशिएटिंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों को इस ट्रेलर में ऐसा क्या दिखा जिसे एक आदमी ने अपने खुद के बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज पे बनाया है। तो मेरे पास इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि इसमें लोगों को दिखी भक्ति हनुमान की राम के लिए और इसे बनाने वाले की हनुमान के लिए, क्योंकि एक एनिमेटेड फेस में असली भक्ति भाव वही भर सकता है जिसने अनगिनत बार अपने प्रिय हनुमान को अपने मन में चित्रित किया हो। वैसे इसे बनाया है सैडी आर्ट स्टूडियो के फाउंडर भूपेंद्र कुमार ने, और जैसा कि हमारे समीम भाई कहते हैं कि कन्विक्शन बड़ी चीज है, और यही वो एक चीज है जिसने इस ट्रेलर में जान भर दी है। ऐसा लगता है मानो भूपेंद्र भाई ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके मन में जो हनुमान है वही सबके दिलों में बसते हैं, और ऐसा नहीं है कि इस ट्रेलर का एनिमेशन अब तक का सबसे बेहतरीन VFX वर्क है, बस बात इतनी सी है कि इसे जिस तरह बनाया गया है वो एक एनिमेटेड फिल्म से ज्यादा एक डिवाइन फील देता है। उन्होंने हनुमान जी के करेक्टर को बहुत छोटी छोटी डिटेल्स देकर क्रिएट किया है, उनको कोई बहुत ज्यादा मस्कुलर नहीं दिखाया गया है, फिर भी वो महाबली लग रहे हैं अपने तेज की वजह से, और वो उड़ने वाला सीन काफी कूल लग रहा है। हाँ, हो सकता है कि मैन ऑफ स्टील का इंस्पिरेशन हो, पर अगर इतने बेहतरीन तरीके से लिया जाए तो इंस्पिरेशन लेना कोई बुरी बात नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके मेकर्स को एहसास है कि ये कहानी भगवान की है, बल बुद्धि विद्या के प्रतीक हनुमान की है, और ये उनके चेहरे पे दिख रहा है। ये ट्रेलर अपनी भव्यता में कोई कमी नहीं रखता है, यहाँ रोशनी उतनी ही खूबसूरत दिखती है जितना उसे होना चाहिए। एक पुराने मंदिर की भव्यता उसके टूटे होने के बावजूद कम नहीं लगती, पूरे एनवायरमेंट में हवा शांति और अलौकिकता को महसूस किया जा सकता है। श्री राम की प्रतिमा इतनी विशाल और खूबसूरत लगती है कि आप भी हनुमान जी की तरह नतमस्तक होना चाहते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि बस ये एक ट्रेलर है, पर भाई बहुत अच्छा लगा, इसलिए देखने में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। ट्रेलर में दो क्रीचर और देखने को मिलते हैं, एक ये विशालकाय ऑक्टोपस जिससे प्रोबेबली अपने हनुमान जी लड़ने वाले हैं, और दूसरा ये कोई मंकी किंग की तरह, जिसका कहानी में क्या रेफरेंस होने वाला है ये तो देखकर ही पता चलेगा। खैर, ये एक आने वाली शॉर्ट फिल्म होगी जो बस YouTube पे रिलीज होने वाली है। उम्मीद तो यही है कि जो खूबसूरत सी उम्मीद इन्होंने हमें दी है वो कायम रहेगी। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।